मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। इस नए महीने के लिए हम पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको इस 2020 के 10वें महीने में, अक्टूबर के माह में, आज की सुबह का प्रकाश हमको दिखाया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग सहकुशल हैं, प्रभु आप सबके साथ हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है, भजन संहिता 145 और उसका 19वीं आयत में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है और हर एक प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरी करता है। आइए हम आज 145 और उसका 19 वचन को निकालें और आज हम इस वचन पर मनन करें। मेरे प्रिय, आइए निकालेंगे। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूर्ति करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूर्ति करता है। आप परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं तो यकीन मानिए, खुदावन यीशु आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह उन सब की इच्छा पूर्ति करता है जो उसका डर मानते हैं। उसका डर किसका? परमेश्वर का। वह उनकी मदद की पुकार सुनता है और उन्हें छुड़ाता है। परमेश्वर आपको हर एक आपके मन की मुराद को पूरा करने वाला, आपको छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। बस आप प्रभु की ओर देखें, प्रभु की ओर निहारें। वही परमेश्वर, जैसे कि रोमियो 15:5 में वो कहता है, यहोवा धीरज और दिलासा देने वाला परमेश्वर है। सच में यहोवा धीरज और दिलासा देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में आती है। धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह में, मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। एक मन सिर्फ वही हमारे हालातों और हमारी भावनाएं पूरी तरह से समझता है। वह समझता है कि किसी मुश्किल हालात में किस पर बीतती है, क्या बीतती है, किस पर क्या बीतती है, सिर्फ एक प्रभु ही समझता है और कोई नहीं। इसलिए वह सबसे अच्छी तरह जानता है कि धीरज धरने के लिए हमें क्या चाहिए, धीरज धरने के लिए हमें क्या चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि वह हमें धीरज धरने की ताकत दे, तो वह कैसे उसका जवाब देता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह धीरज धरने में हमारी मदद करे, तो वह मुसीबत से निकालने का रास्ता, मुसीबत से निकलने का रास्ता निकालेगा। जैसे कि पहला कुरिन्थियों और उसके 10 अध्याय और उसके 13वीं आयत में वो कहता है, तुम, पौलुस कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, वरन परमेश्वर विश्वास योग्य है और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
वह कैसे? कभी कभी वह शायद शायद मुश्किल ही दूर कर दे, मुश्किल ही दूर कर दे, लेकिन ज्यादातर मामलों में वह हमें ताकत देता है, शक्ति देता है, ताकि हम पूरी तरह धीरज धर सकें और खुशी के साथ सहनशीलता दिखाएं। वह हमारी हदें अच्छी तरह जानता है, हमारी सीमाओं को अच्छी तरह जानता है। वह जानता है कि हम क्या कुछ सह सकते हैं, इसलिए वह किसी भी हालात को इतने भी बदतर नहीं होने देगा कि हम वफादार ना रह सकें, किसी भी हालात को। मेरे प्रियो, इस समय पर संसार के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, पर जो यहोवा का डर, जो परमेश्वर का डर, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो उसकी पुकार को सुनता है, वह छुड़ाया जाएगा। यदि आप वह कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है, तो परमेश्वर आपको सब प्रकार की समस्याओं से निकालेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें इस नए महीने के लिए। पिता, हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमसे पहले प्यार किया, जब हम पापी ही थे, जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, तब प्रभु आपने हमसे प्यार किया। प्रभु, आप अपने डरबइयों की इच्छा पूरी करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु कि आपके जितने भी डरबइये हैं, आप उन सब की इच्छा को पूरा कीजिए। प्रभु, आप उनकी मदद कीजिए, जो आपको पुकारते हैं आप उन्हें छुड़ा लीजिए। प्रभु, आप उन्हें धीरज, दिलासा, शांति देने वाले, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है। प्रभु, आप अपने इन प्रतिज्ञा के वचनों से अपने बेटे और बेटी को आशीर्वाद दीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जितने आपको पुकारते हैं, चाहे वो दुख में हो, पीड़ाओं में, समस्याओं में, परीक्षाओं में, जब भी पुकारते हैं, पिता हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी पुकार को सुन लीजिए और उन्हें खुशियों से, आनंद से, शांति से, चंगाई से आप उन्हें भर दीजिए। पिता, हमारी पुकार को सुनिए, हम आपसे विनती करते हैं। इस महीने, जो नया महीना आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, ये महीना हमारे लिए 10वां महीना खुशी का हो, आनंद का हो, धीरज का हो, शांति का हो, प्रेम का हो, संयम का हो। हे प्रभु, आज आप उनके बंधनों को तोड़िए जो बीमारी में है, जो समस्याओं में है, जो पीड़ाओं में है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। जितने प्रभु आपको पुकारते हैं, आत्मा और सच्चाई से आप उनकी पुकार को सुनते हैं। पिता, जो अभी तक नहीं मिल पाया, अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने संतानों को और अपने बेटे और बेटियों को देंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। सब विनती और प्रार्थना और निवेदन आपके कदमों में रखते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।